गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीहरि इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल स्टैंडर्ड फर्स्ट। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 12, चूहा और मेंढक। इस पाठ में चूहे और मेंढक के बारे में बताया गया है। वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। चूहा है, मेंढक है, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है, एक चील आती है और इन दोनों को लेकर उड़ जाती है। ये इस पाठ में बताया गया है। अब पाठ के बारे में देखते हैं। चूहा और मेंढक एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। दोनों स्वयं को ताकतवर बताते थे। दोनों की लड़ाई में किसका फायदा हुआ, आइए इस कहानी को पढ़कर जाने। वो एक दूसरे से क्या कहते रहते थे कि मैं ताकतवर हूँ, और दूसरा कहता मैं ताकतवर हूँ। इस तरह से वो लड़ते रहते थे, और लास्ट में किसका फ़ायदा होता है वो इस पाठ में बताया गया है। जैसे कि एक चूहा खेत में बिल बनाकर रहता था। चूहा कहाँ रहता था, खेत में बिल बनाकर रहता था। उसी जगह पर बड़े पत्थर के नीचे मेंढक रहता था। उसी जगह पर उस खेत में ही बड़ा पत्थर था, उसके नीचे कौन रहता था, मेंढक। चूहा मेंढक को पसंद नहीं करता था, मेंढक भी चूहे को पसंद नहीं करता था। वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। चूहा क्या कहता था कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मैं जमीन खोद सकता हूँ। चूहा क्या कहता है कि मैं तो इतना ताकतवर हूँ कि जमीन को खोद सकता हूँ। मेंढक कहता है मैं बलवान हूँ, मैंने इतना बड़ा पत्थर उठाया हुआ है। मेंढक क्या कहता है कि मैं बलवान हूँ, मैंने इतना बड़ा पत्थर उठाया हुआ है। इस बात पर दोनों एक दूसरे से झगड़ते रहते। चूहा सारा दिन चू चू करता, मेंढक रात भर तर तर तड़ाता। इस बात को लेकर कि मैं ताकतवर हूँ, मैं बलवान हूँ, इस बात को लेकर दोनों झगड़ते रहते थे। चूहा दिन भर चू चू करता रहता, और मेंढक था वो रात भर तर तर तड़ाता था। नेक्स्ट पेज पे देखिए। एक दिन मेंढक चूहे से बोला, ओ चूहे निकल अपने बिल से बाहर, देखूं तुझ में कितना दम है। अब चूहा क्या कहता है, सॉरी मेंढक क्या कहता है, मेंढक चूहे से कहता है कि ओ चूहे निकल अपने बिल से, देखूं तुझ में कितना दम है, आज तो मैं देख लेता हूं कि तुझ में कितनी ताकत है। चूहे को गुस्सा आ गया, वह अपने बिल से निकलकर मेंढक को मारने दौड़ा। चूहे को क्या हुआ, गुस्सा आ जाता है और वो अपने बिल से निकलकर मेंढक को मारने दौड़ता है। मेंढक भी मैदान में आ गया। अब क्या है, दोनों मैदान में आ गए, एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ पड़े। मेंढक और चूहा आमने सामने थे। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और मारने के लिए तैयार थे। तभी आसमान में उड़ती चील ने दोनों को देखा। एक ही झपट्टे में उसने दोनों को अपने पंजों से उठा लिया। ये बड़ी सी चील, वो उन दोनों को देखती है और अपने दोनों पंजों में एक ही झपट्टे में उठा लेती है। अपने बच्चों को उनका मनपसंद खाना खिलाने चील घोंसले की ओर उड़ गई। क्या होता है, अपने बच्चों को भोजन कराने के लिए चील अपने घोंसले की ओर उड़ जाती है। ये तो थी चूहे और मेंढक की कहानी। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। सबसे पहले है बिल। बिल का अर्थ क्या होता है, चूहों को रहने की जगह, उसे हम बिल कहते हैं। पसंद मतलब चाहत, एक दूसरे को पसंद करना। दम, दम मतलब ताकत या तो शक्ति। ताकतवर यानी शक्तिशाली। अभ्यास में देखते हैं मौखिक प्रश्न। उसमें सबसे पहले है चूहा कहाँ रहता था, क्या आंसर आएगा, चूहा कहाँ रहता था, बिल में। सेकंड क्वेश्चन है मेंढक कहाँ रहता था, मेंढक कहाँ रहता था, पत्थर के नीचे। थर्ड क्वेश्चन है चूहा किसे पसंद नहीं करता था, चूहा मेंढक को पसंद नहीं करता था। चूहा किसे मारने दौड़ा, चूहा मेंढक को मारने दौड़ा।
इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। उसके बाद देखते हैं सही गलत, पाठ का दूसरा नाम क्या हो सकता है। किसी एक पर राइट का निशान लगाइए। यहाँ पे आपको फोर ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें राइट जो ऑप्शन है, इस पिक्चर का दूसरा नाम क्या होना चाहिए वो आपको बताना है। जैसे कि ताकतवर चील, फिर झगड़ालू चूहा, या तो फिर बलवान कौन, और मनपसंद खाना। इसका इस चैप्टर का दूसरा नाम क्या होना चाहिए, बलवान कौन, उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। नाउ वी विल सी ऑन नेक्स्ट पेज पाठ बोध। उसमें सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, चील कहाँ रहती थी। चील है वो कहाँ रहती थी, घोंसले में। चील घोंसले में रहती थी। सेकंड क्वेश्चन है, सबसे ताकतवर कौन था, चूहा, मेंढक या चील। आंसर क्या आएगा, चील। चील सबसे ताकतवर थी। थर्ड क्वेश्चन है, चील ने दोनों को देखकर क्या किया, ऊपर उठा लिया, अपने दोनों पंजों से ऊपर उठा लिया। फोर्थ क्वेश्चन, बेवकूफ कौन था, चूहा, मेंढक या चील, कौन बेवकूफ था। इसमें दोनों आएंगे, चूहा और मेंढक, दोनों कैसे थे, बेवकूफ थे। उसके बाद देखते हैं वाक्य पूरे कीजिए, फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूहा खेत में क्या बनाकर, बिल बनाकर रहता था। सेकंड है, मेंढक भी चूहे को पसंद नहीं करता था। थर्ड है, चील घोंसले की ओर उड़ गई। इस तरह से ये आपको फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करनी है। भाषा से में देखते हैं कौन कैसे बोलता है, लिखिए। चूहा, चूहा कैसे बोलता है, चू चू। चिड़िया, चिड़िया कैसे बोलती है, ची ची। तोता, टै टै। कबूतर, गुटर गु। उसके बाद है मेढक, तर तर। बिल्ली, म्याओ म्याओ बोलती है। कौवा, काव काव। गाय है वो, बे बे बोलती है। इसी तरह से ये आपको कंप्लीट करना है। क्रिया कलाप बातों बातों में देखते हैं, चूहा और मेंढक को ऐसा क्या करना चाहिए था कि वो चील की पकड़ में न आते। कक्षा में अपने साथियों को बताइए, अगर दोनों क्या करते तो वो चील की पकड़ में नहीं आते, या तो बच जाते। ये अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है। मेरी कलम से, उसमें देखिए आप क्या क्या खाना पसंद करते हैं, लिखिए। ये आपको स्वयं लिखना है कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है। मिलान कीजिए, नीचे दिए गए पशु पक्षियों को उनके मनपसंद भोजन से मिलाइए। यहाँ पे आपको एनिमल दिए गए हैं और उसके सामने वो क्या खाना खाते हैं, उनका भोजन क्या है, उसके सामने मैच करना है। जैसे कि फर्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट क्या खाता है, यहाँ पे ये बड़े से पेड़ का पिक्चर बताया गया है, उसको साथ मैच करना है। फिर है शेर। शेर क्या खाता है, उसका भोजन क्या है, वही उसके साथ मैच करना है। फिर है तोता। तोते को क्या पसंद है, ये उसके साथ मैच करना है। फिर ये क्या है, फिश कौन खाता है, तो उसके साथ ये मैच करना है। फिर गाय। गाय क्या खाती है, घास, उसके साथ ये घास मैच होगा। उसी तरह से ये आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आपको सभी एक्सरसाइज लिखनी है।